हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आईक्यू लाइटिंग का आईपीओ आ रहा है 6 तारीख को, तो फाइनली आज ये आईपीओ यहाँ पर ओपन हो चुका है और पहले दिन ही इसको बम्पर रिस्पांस मिला है सब्सक्रिप्शन में, और कितना सब्सक्राइब हुआ उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले। और अभी आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जीएमपी में कितना इजाफा हुआ है, कंपनी कामकाज क्या करती है, सारे के सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से बने रहना फ्रेंड्स। सबसे पहले आईक्यू लाइटिंग का जो स्टेटस है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस, उस पर नजर अगर आप डालेंगे, फर्स्ट डे था आज, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में आप देखेंगे 0.30 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन हुआ है। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में देखेंगे तो 2.97 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे तो 1.25% के आसपास सब्सक्रिप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 1.55% ये सब्सक्राइब हो चुका है फर्स्ट डे। तो कहीं ना कहीं कल दूसरा दिन है, कहीं ज्यादा रिस्पांस आपको कल देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पर बम्पर सब्सक्रिप्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो जिस तरीके से कंपनी के ऊपर मैंने डिटेल में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, आप जाकर के देख सकते हैं कंपनी कामकाज क्या करती है। तो कंपनी का लाइटिंग का कामकाज है, 2016 से देख लीजिए कंपनी कामकाज कर रही है, अच्छा खासा इसका कामकाज है। रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी लाइटिंग्स जो बनती है उसका सॉल्यूशन करती है, लाइटिंग बनाती है और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का कामकाज अच्छा है। इसके साथ साथ इसके रेवेन्यू पर अगर आप नजर डालेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू 2020 में 141 करोड़ के आसपास था, 2021 में बढ़कर 160 हो गया, 2022 में बढ़कर 220 हो गया, कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। एसेट्स की बात करें, एसेट्स भी लगातार बढ़ रहे और एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, सबसे पॉजिटिव पॉइंट एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। फाइनेंशियल पर आप नजर डालिए, 2020 में 1599 करोड़ का प्रॉफिट था, 2021 में 20.58 हो गया है, और 2022 में आप देखेंगे 28 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी का आईपीओ। अब इसके साथ साथ आ जाते हैं इसके लेटेस्ट जीएमपी पर, तो कहीं ना कहीं इसके लेटेस्ट जीएमपी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा आपको देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंड्स, जो कि पहले 35-36% के आसपास था, अभी ये 37% के आसपास का लिस्टिंग गेन। अगर आज की तारीख में इस आईपीओ में आप अप्लाई करते हैं 37% के आसपास का लिस्टिंग गेन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आईपीओ की प्राइस जो है 285 है और इसका अभी लेटेस्ट का जीएमपी 105 चल रहा है। अगर आप एक लोड के लिए अप्लाई करते हैं तो 52 शेयर आपको अलॉट होंगे, और अभी का जो जीएमपी चल रहा है 105, उसके हिसाब से अगर अभी आपको प्रॉफिट मिलता है तो कितना मिलता है देख लीजिए, यहाँ पर 5460 रुपये के आसपास एक लोड अगर आप अप्लाई करते हो और आपको अलॉट हो जाता है तो 5460 रुपये का लिस्टिंग गेन आपको मिलने वाला, जो कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से ठीक ठाक है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ आईपीओस में लिस्टिंग गेन लेने के लिए अप्लाई करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी संख्या है दोस्तों, 60-65%, 70% लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने के लिए ही अप्लाई करते हैं। काफ़ी कम तादाद में लोग हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, वरना सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने के बाद ही लोग निकल जाते हैं। तो अगर आप भी सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने के लिए आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन ये आईपीओ आपको देता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। 6 तारीख को आज ये ओपन हुआ, 8 तारीख को क्लोज हो जाएगा, अभी आपके पास 2 दिन का वक्त है। कल और परसों 606 करोड़ रुपए का आईपीओ, उसमें से फ्रेश इश्यू अगर आप देखते हैं 350 करोड़ रुपए का, और ऑफर फॉर सेल यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उसकी संख्या आप देख सकते हैं, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ का प्राइस बैंड जो इन्होंने रखा है 270 से 285। अब यहाँ पर एक पॉइंट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हो और आप चाहते हैं कि आईपीओ आपको मिल जाए तो आपको इस वाले प्राइस पर ही अप्लाई करना है, इसे कट ऑफ प्राइस कहते हैं, इस पर आप अप्लाई करेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपको आईपीओ अलॉट होने के, ठीक है। और एनएससी बीएससी दोनों जगह पर लिस्टिंग होगा। रिटेल कैटेगरी की बात करें, 35% के आसपास का रिटेल कोटा, जो कि ठीक ठाक है। अमूमन किसी किसी आईपीओ में 10% के आसपास होता है, जहाँ 35 है ठीक है। क्यूआईबी कोटा देखेंगे 15% के आसपास है, एनआईए कोटा 15% है ठीक है। इसके साथ साथ अगर एक लोड के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 52 शेयर्स आपको अलॉट होंगे, इसके लिए 14,820 रुपये आपको पे करना हो। मैक्सिमम लोड अगर आप लेना चाहें तो 13 लोड ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,92,660 रुपये पे करने होंगे, शेयर्स आपको 676 मिलेंगे। अच्छा, नीचे एचएनआई कैटेगरी है, इससे हमें कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, प्राइस बैंड अनाउंसमेंट 31 मई को हुआ था और एंकर इन्वेस्टर जो है इसके उनको 5 तारीख को यहाँ पर अलॉटमेंट हो चुका है, 6 तारीख को ये रिटेलर्स के लिए ओपन हुआ, 8 तारीख को क्लोज हो जाएगा। अब बात आती है इसका अलॉटमेंट कब होगा, तो इसका बेसिस अलॉटमेंट जो है 13 तारीख को मिलने वाला। अगर इसका अलॉटमेंट आपको मिल जाता है अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो रिफंड जो है आपका 14 तारीख को जो भी आपका अकाउंट है वहाँ पर रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट, जो भी आपका डीमेट अकाउंट है 15 तारीख को शेयर आपको वहाँ पर दिखने लगेंगे, इसके 52 शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। फाइनली आईपीओ की लिस्टिंग डेट 16 तारीख को ही आईपीओ लिस्टिंग हो जाएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने के लिए ही अप्लाई करते हैं तो 16 तारीख को जैसे ही 10 बजे लिस्टिंग होता है तो 10:05 पर आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर
तो फिर आप इसमें बने रह सकते हैं। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और क्या आप इसमें अलॉट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर इसे अवॉइड करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज आती है आईपीओ से रिलेटेड या फिर जीएमपी से रिलेटेड, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स।